उस व्यक्ति के ऊपर जो है आरोप लगाना कितना हास्यपद है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बताएंगे। तीन पिछड़ों के लिए माननीय नेता ने सबसे पहले 2007 में जब पावर में आए तो सबसे पहले पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग का निर्माण नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुआ, जहाँ पर कि जो स्टेट जुडिशरी हमारा है वहाँ पर भी अति पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था नीतीश कुमार के कार्यकाल में किया गया। उसमें बहुत ही विजिबल रूप से उनका कार्यप्रणाली में कार्य करने का, अति पिछड़ों को सशक्त करने की जो उनकी रूपरेखा है वो दिखती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पूरा अपना जमीन खिसकता हुआ नजर आ रहा है, तो इसीलिए और हाईकोर्ट ने कोई राज्य सरकार ने तो रोका नहीं। ये सब बेच वेच कहीं कोई फंसने का मामला नहीं है। अति पिछड़ों के लिए माननीय नेता ने सबसे पहले 2007 में जब पावर में आए तो सबसे पहले पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग का निर्माण नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुआ, और आज इस विभाग का बजट लगभग 1600 करोड़ के आसपास है। तो जिस 2006 में माननीय नेता ने पंचायतों में आरक्षण किया अति पिछड़ों के लिए, 2007 में नगर निकाय में आरक्षण किया, और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर कि जो स्टेट जुडिशरी हमारा है वहां पर भी अति पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था नीतीश कुमार के कार्यकाल में किया गया। इस प्रदेश में कर्पूरी छात्रावास के माध्यम से जो अति पिछड़ों के हमारे जो बच्चे हैं उनको कैसे आर्थिक रूप से हम भविष्य में सशक्त कर सकें, शिक्षा के को कैसे हम और उनको शिक्षा के में उनको सशक्त कर सकें, उसके लिए कर्पूरी छात्रावास का निर्माण कराया गया। तो जो व्यक्ति ने अपने पूरे 16-17 साल के कार्यकाल में इस प्रदेश में जो बड़ी आबादी अति पिछड़ों की है उसको सशक्त अपनी योजनाओं में, अपने बजट में, अपने जो उनके शासन का कार्यप्रणाली है उसमें बहुत ही विजिबल रूप से उनका कार्यप्रणाली में कार्य करने का, अति पिछड़ों को सशक्त करने की जो उनकी रूपरेखा है वो दिखती है। उस व्यक्ति के ऊपर जो है आरोप लगाना कितना हास्यपद है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बताएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पूरा अपना जमीन खिसकता हुआ नजर आ रहा है, तो इसीलिए और हाईकोर्ट ने कोई राज्य सरकार ने तो रोका नहीं, हाईकोर्ट ने रोका तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जिस तरह से स्टेट जुडिशरी के ऊपर भी बहुत ही कानूनी दांवपेच के बाद स्टेट जुडिशरी सर्विस में अति पिछड़ों को आरक्षण मिला था, फिर लड़ाई लड़ी जाएगी। सुशील मोदी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया था आयोग बनाने को तो नीतीश कुमार की जिद का ही ये कारण है जो आज अति पिछड़ा समाज भोग रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो एक नया ट्विस्ट दिया जा रहा है ना, उसको एक प्रयास किया जा रहा है। हमारा तो पहले से रोस्टर बना हुआ है, हमारा तो आरक्षण पहले से पंचायत में और नगर निकाय में अति पिछड़ों का आरक्षण के प्रावधान तो पहले से लागू है। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पंचायतों में अति पिछड़ों को आरक्षण नहीं है, तो हमारा तो रोस्टर पहले से बना हुआ है, हम वो अपनी बात को रखेंगे सुप्रीम कोर्ट। आयोग आपने नहीं बनाया ना, मेरी बात ये बोली है, कह रहे कि आयोग नहीं बनाया। अरे भाई, आयोग बनाने का सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया, लेकिन हम तो आयोग बना करके हम रोस्टर बनाते हैं, रोस्टर तो हमने पहले से बनाया हुआ है, हमने तो अपनी क्लियरिटी रखी हुई है कि कैसे हम क्या करेंगे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, हम अपनी बात को रखेंगे, और जो कानूनी लड़ाई है अति पिछड़ों की लड़ी जाएगी। हाईकोर्ट में मजबूती से पक्ष नहीं रखा गया? नहीं, हाईकोर्ट में रखा गया अब तक। देखिए, ऐसा है कि हर एक न्याय निर्णय का अपना अपना तरीका है, न्याय निर्णय हुआ है, अब उसके खिलाफ में हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात मजबूती से रखेंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं वो तो टोटल हास्यपद है ना। जिस व्यक्ति ने अपने कार्यकाल में इस प्रदेश में अति पिछड़ों के लिए विभाग बनाया, आज जिसका बजट 1600 करोड़ से ज़्यादा का बजट है, जिसने 2006-2007 में आरक्षण का प्रावधान किया, जिसने कर्पूरी छात्रावास जैसी योजनाओं का निर्माण करके जो आने वाले भविष्य उनको सुरक्षित करने का प्रयास किया, जिसने लोअर जुडिशरी में लड़ाई लड़के कानूनी, जिसने अति पिछड़ों को लोअर जुडिशरी में आरक्षण दिलाया, उनके बारे में इस तरह की बात कर रहा है भारतीय जनता पार्टी।